नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल वन, जो एक देश का नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर है। इसमें कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, एएमसी चार्जेस, रेगुलेटरी चार्जेस, इसके अलावा कौन कौन से हिडन चार्जेस लगते हैं, सभी चार्जेस के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी एंजल वन के साथ में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो इन सभी चार्जेस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले हम लोग एंजल वन की तरफ से जो नॉर्मली चार्जेस अप्लाई किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। उसके बाद में हम देखेंगे इसके अलावा जो भी चार्जेस लगते हैं, हिडन चार्जेस कौन कौन से लगते हैं, उनको मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो एंजल वन की तरफ से दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें चार्जेस के बारे में, तो देखिए इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की बात करें तो इसमें कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलता है। अकाउंट ओपनिंग फीस आपको यहाँ पे जीरो देखने को मिलती है। तो आप लोग भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एंजल वन में, तो इसका डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली आप लोग ओपन कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात आती है एएमसी चार्जेस की। एनुअल मेंटेनेंस देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है, फर्स्ट ईयर फ्री है। उसके बाद में आपको मंथली चार्जेस इसमें देना पड़ेगा ₹20 प्लस जीएसटी, जीएसटी 18% लगेगा। तो मंथली आपको ₹20 प्लस जीएसटी एंजल वन के अंदर एएमसी चार्जेस के तौर पे आपको देना पड़ेगा। तो ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं है, एएमसी चार्जेस ₹20 प्लस जीएसटी है, वो भी एक साल के बाद में, एक साल तक फ्री है। उसके बाद में दोस्तों इक्विटी डिलीवरी की बात करें तो इक्विटी डिलीवरी देखिए फ्री है। इक्विटी डिलीवरी मतलब दोस्तों आप लोग डिलीवरी के लिए कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, यानी होल्डिंग, या फिर हम लोग कहें लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग स्टॉक बाय करते हैं, शेयर बाय करते हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस ब्रोकरेज के तौर पे एंजल वन है वो नहीं लेता है। अलग से चार्जेस दोस्तों जैसे कि डीपी चार्जेज है, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेज है, रेगुलेटरी की तरफ से अलग से चार्जेज है वो लिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग है वो एंजल वन के पेज पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मैं आपको नॉर्मली एंजल वन के चार्जेस आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो फ्लैट ₹20 या फिर 0.03%, यानी ₹20 या फिर 0.03%, विच एवर इज लवर, इनमें से जो भी कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं किसी स्टॉक की, और उस स्टॉक का प्राइस है ₹100 उसका प्राइस है, और उसके आप लोग 100 क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, तो उसका जो भी टर्नओवर आता है उसका 0.03% निकालोगे या फिर ₹20, दोनों में से जो कम रहेगा। जैसे कि 0.03% अगर ₹15 आता है तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस ₹15 देना पड़ेगा, क्योंकि ये कम रहेगा। अगर यहाँ पे 0.03% 25-30 रुपये आता है तो फिर आपको फ्लैट ₹20 आपको यहाँ पे पर ऑर्डर है वो देना पड़ेगा। बाय साइड का अलग से लगेगा, सेल साइड का आपको यहाँ पे अलग से देना पड़ेगा। तो ये आपको इंट्राडे में नॉर्मली है वो ध्यान में रखना है। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो फ्लैट आपको ₹20 पर ऑर्डर चार्जेज है वो देना पड़ेगा। ये एंजल वन की तरफ से नॉर्मली चार्जेज है दोस्तों, इनको मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दिया हूँ। अगर आपको डायरेक्ट इसका अकाउंट ओपन करने का लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली आप लोग ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों डिटेल में हम लोग चार्जेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें जीरो ब्रोकरेज चार्जेस का क्या प्रोसेस है। देखिए जो आपको यहाँ पे इसके पेज पे आपको लिखा हुआ रहा है जीरो ब्रोकरेज जीरो इंटरेस्ट, इसका मतलब है दोस्तों इक्विटी डिलीवरी में देखिए कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। बट आपको इसमें एक जो चार्जेस लगेगा दोस्तों वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन चार्जेस अप्लाई। देखिए आपको डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगेगा, एसटीटी चार्जेस है, ये चार्जेस आपको इक्विटी डिलीवरी पे भी पे करना पड़ेगा। और ये चार्जेस कितने लगते हैं इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में दोस्तों देखिए बात करते हैं इंट्राडे एफएनओ करेंसी कमोडिटी, इसमें भी आपको जीरो ब्रोकरेज लगेगा, वो भी फर्स्ट 30 डेज तक। अगर आप लोग नया अकाउंट ओपन करते हैं फर्स्ट 30 डेज तक अगर आप लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इसमें ₹500 तक कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना है, फ्री है। उसके ऊपर अगर आपका चार्जेस बनता है तो वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जो मैं आपको यहाँ पे नीचे में मेंशन किया गया है वो मैं आपको दिखा दूंगा। यानी आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करोगे नए अकाउंट से, फर्स्ट 30 डेज तक कोई भी आपको चार्जेस नहीं देना है, वो भी ₹500 तक। उससे ऊपर आपका चार्जेस जाता है तो वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। थर्ड है दोस्तों मार्जिन ट्रेड फंडिंग, इसका मतलब है आपने कोई भी डिलीवरी में शेयर वगैरह बाय कर रखे हैं, उनको आप लोग प्लेज करके और उनसे आप पैसे उधार लेते हैं, उनसे आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं,
तो इसमें आपको जीरो इंटरेस्ट लगेगा फॉर 30 डेज तक। फर्स्ट 30 डेज तक आपको यहाँ पे देखिए जीरो इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद में जो नॉर्मल चार्जेस है वो अप्लाई करने पड़ेंगे, और नॉर्मल चार्जेस कितने लगेंगे उसके बारे में आपको मैं नीचे है वो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इक्विटी में ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जीरो ब्रोकरेज अप टू 500 रुपये फॉर फर्स्ट 30 डेज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीरो ब्रोकरेज आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में लगेगा फर्स्ट 30 डेज तक, वो भी 500 रुपये तक। उसके बाद में आपको चार्जेस अप्लाई है, अप्लाई वो रहेगा दोस्तों देखिए फ्लैट 20 रुपये या फिर 0.03%, जो भी लोअर रहेगा कम रहेगा वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट पे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज के तौर पे जीरो चार्जेज है वो लगने वाला है। उसके बाद में दोस्तों देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो इसमें भी सेम रहेगा, ब्रोकरेज चार्जेस के तौर पे फर्स्ट 30 डेज में आपको यहाँ पे देखिए जीरो ब्रोकरेज है 500 रुपये तक। उसके बाद में आपको नॉर्मली पर ऑर्डर 20 रुपये आपको चार्ज है वो देना पड़ेगा, पर एग्जीक्यूट ऑर्डर पे आपको 20 रुपये चार्ज है वो देना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी जैसे कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी इनमें आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 20 रुपये चार्जेज है वो देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग में, डिलीवरी में जिसे हम बोलते हैं, इसमें आप शेयर बाई करते हो तो ब्रोकरेज के तौर पर आपको जीरो चार्जेज है वो देना पड़ेगा। बट दोस्तों अलग से चार्जेस जो लगेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्जेस आपको लगाए जाते हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस की बात करें दोस्तों तो आप लोगों को देखिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी डिलीवरी पे आपको NSE पे आपको 0.0325% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, NSE और BSE में सेम रहेगा। उसके बाद में इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको यही चार्जेस आपको देना पड़ेगा 0.00325% ट्रांजेक्शन चार्जेस। उसके बाद में फ्यूचर्स में आपको 0.0019%, ऑप्शंस में आपको 0.05% चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा। इस अगर आपको कोई भी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इन चार्जेस की जो लिस्ट है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्टली भी चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखिए डीपी चार्जेस की बात करें, डीपी चार्जेस की बात करें तो 20 रुपये प्लस GST आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस इक्विटी डिलीवरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे आपको देना पड़ेगा। अलावा आपको यहाँ पे डीपी चार्जेस इंट्राडे में आपको कोई भी डीपी चार्जेस नहीं देना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको डीपी चार्जेस है वो नहीं देना है। स्टेट ट्रांजेक्शन यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन की बात करें STT चार्जेस तो आपको यहाँ पे देखिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे 0.1%, आपको यहाँ पे देखिए इंट्राडे में 0.02%, और आपको फ्यूचर्स में 0.012%, और NSE इसमें आपको देखिए ऑप्शंस में 0.0625% आपको यहाँ पे STT चार्जेस है वो देना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप लोग रीड कर सकते हैं। GST की बात करें दोस्तों तो GST सभी पे 18% एप्लीकेबल है, जो आप लोग देख सकते हैं चाहे इंट्राडे हो, चाहे आप लोग डिलीवरी में से बाय कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, 18% GST सभी पे एप्लीकेबल है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस भी पे करना पड़ेगा, जो देखिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे 0.015% है, इंट्राडे में 0.003% है, फ्यूचर्स में 0.002% है, ऑप्शंस में 0.003% है, तो स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। सेबी चार्जेस दोस्तों आपको लगेगा जब आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है उस पर आपको 10 रुपये आपको देना पड़ेगा, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं, सेबी चार्जेस आपको 1 करोड़ के टर्नओवर पे आपको ये चार्जेस है वो 10 रुपये पर 1 करोड़ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है। तो अलग से जो चार्जेस लगते हैं दोस्तों ब्रोकरेज के अलावा वो लगते हैं दोस्तों ट्रांजेक्शन चार्जेस, डीपी चार्जेस, STT चार्जेज, GST लगता है, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस लगता है, एंड सेबी चार्जेस लगता है, एंड क्लियरिंग चार्जेस आपको यहाँ पे जीरो देना है, कोई भी चार्जेस क्लियरिंग के तौर पे आपको यहाँ पे नहीं देना है। इसके अलावा दोस्तों मैं चार्जेस की बात करूँ जो मैंने आपको बताया नॉन ट्रेड चार्जेस यानी आप बिना ट्रेडिंग के भी आपको चार्जेस देना पड़ेगा, जो मैंने आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बताया जो इसमें मंथली लगता है 20 रुपये प्लस GST। इसके अलावा इंटरेस्ट चार्जेज ऑन डेबिट बैलेंस, अगर आपका इसमें बैलेंस डेबिट रहता है यानी माइनस में रहता है और आपको यहाँ पे 0.049% पर डे यानी अगर आपका 10,000 रुपये आपका इसमें माइनस में बैलेंस है तो पर डे आपको 4.9 रुपये यानी आप करीबन 5 रुपये के आसपास में आपको बैलेंस है वो इसमें आपको चार्जेस के तौर पे करना पड़ेगा। मार्जिन ट्रेड फंडिंग के बारे में बात करें दोस्तों फर्स्ट 30 डेज के लिए इंटरेस्ट भी जीरो है,
बट उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करें तो इसमें आपको 0.049% पर डे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसमें मार्जिन ट्रेड फंडिंग फैसिलिटी आप लोग लेते हैं एंजल वन में, तो आप लोगों को 0.049 पर डे ये परसेंटेज आपको इंटरेस्ट के तौर पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग दोस्तों एनआरआई क्लाइंट है, अदर कंट्री के आप लोग हैं, तो अदर कंट्री के चार्जेस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप लोग रीड कर सकते हैं। इसका मैं लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया है डिलीवरी में हिडन चार्जेस डीपी चार्जेस लगता है दोस्तों, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंजल वन में डीपी चार्जेस 20 रुपये प्लस GST है, जो आपको कहीं भी नहीं लिखा हुआ आएगा। आप लोग अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि डीपी चार्जेस भी लगता है, ये लगता है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा बात करें तो मैंने आपको चार्जेस के बारे में बता दिया है कि स्टैम्प ड्यूटी STT GST ये भी आपको डिलीवरी के अंदर चार्जेस लगते हैं। आप सोचते हो कि लॉन्ग टाइम में शेयर बाय करेंगे तो जीरो ब्रोकरेज लगता है, ब्रोकरेज के अलावा भी आपको चार्जेस ये पे करने पड़ेंगे। तो इन सभी चार्जेस के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप लोग एंजल वन के साथ में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने का लिंक दिया गया है दोस्तों, आप लोग डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप लोग एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे आपको देखिए प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में आपको एंजल वन नेम से प्लेलिस्ट दी गई है। इसमें 24 वीडियोज मिल जाएंगे आपको, एंजल वन से रिलेटेड सारे वीडियोज आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप लोग देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।